सार दस्यु। दस्यु शब्द आपने सुना होगा। दस्यु बड़ा आज के समय में नेगेटिव है, मगर पाली के समय में जो दस्यु शब्द है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत ऊंचे लेवल का माना जाता है। आपने दस दिशाओं का सुना होगा कि एक काल्पनिक करैक्टर है जिसको रावण नाम दिया गया। रावण को ये दस सिर थे और दस दिशाओं का ज्ञान था। दस दिशाओं का जो जिक्र आता है वो पाली में गाथा के अंदर भी आता है। तो दस दिशाओं का मतलब है जो दस पारमिताओं को मानता है, यानी जो दस नियम है जिनसे बुद्ध बनता है उनको जानता है या उनकी प्रैक्टिस करता है और उनको अपने जीवन में लागू करके उनको बढ़ाता है। ऐसे जितने भी लोग हैं जो दस पारमिता या दस नियम को, उनको दस से बोला करते थे, क्योंकि पाली के अंदर आधा से और फिर पूरा से लगाते हैं तो उससे संबंधित हो जाता है से या को। यानी हम बुद्धस्य बोलते हैं तो बुद्धस्य का मतलब है बुद्ध के लिए या बुद्ध से। तो बुद्ध के लिए या बुद्ध को अगर आ गया, जैसे बुद्धस्य हमने बोला तो बुद्ध को या बुद्ध के लिए, ऐसे दस्य का मतलब है दस को या दस के लिए। तो ये वहाँ से शब्द बना, दस करके बना, दस पारमिता वाला बना। और इसको बाद में दस वंतु भी बोला गया। दस वंतु का मतलब है जो दस चीज़ों के रखता हो अपने पास में, वो दस वंतु हो गए और जो उनको बढ़ाता है। इससे बाद में फिर दस से बना, दस से आज भी चलता है। जो भारत के अंदर जो बनिया कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी में कुछ लोगों को दस से भी बोलते हैं। वो दस से हैं, वो पुराने दस पारमिता वाले लोग हैं जिनको दस से बोला जाता है, दस से। तो दस से जो शब्द है वो बहुत ही पुराना शब्द है और इसको दर्शन से भी बोला जाता है। यानी जिसने देख लिया है, दर्शन कर लिया है, सच्चाई का दर्शन कर लिया है, उनको भी हम दस्यु बोलते हैं। तो दस्यु जो शब्द है, यानी दस्य शब्द है, दस्य शब्द है, ये बहुत पॉजिटिव है। आज की भाषा में इसको दस्यु बोलते हैं, उस समय इसको दस्य या दसवंतु बोला जाता था। उस समय के दस्य, दस्यु, दास, दस्य ही आज के दास लोग हैं जिनके पीछे दास लिखा होता है। धन्यवाद।